आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ के स्वादिष्ट से लड्डू, वो झटपट से बनने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिए तिल, तो तिल हमने ना 200 ग्राम लिए, सफ़ेद वाले तिल है। आप जो दूसरे होते हैं ना थोड़े मिक्स होते हैं वो भी ले सकते हो, और दोनों को मिक्स करके वाइट और वो वाले तो वो भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इन्हें अभी हमने ना भून लेना है। तो ये देख लीजिए इनका कलर चेंज हो गया, अब चटकने लगे हैं। अभी हमने गैस बंद कर देनी है और इन्हें निकाल लेना है। इसको साफ़ करके कढ़ाई को एक चम्मच देसी घी डाल दिया, और ये 200 ग्राम ही हमने गुड़ लिया है। तो गुड़ को ना इस तरह से दरदरा कर लिया। तो गुड़ जितना हो उतना ही तिल होने चाहिए। तो 200-200 ग्राम दोनों मैंने ले लिए। अभी कम गैस पे इसे पिघलाते ही जाना हमने, तो 5-6 मिनट लगते हैं। तो तब गुड़, अभी देखिए गुड़ हमारा पिघलना स्टार्ट हो गया। तो अभी और पिघलाना है इसे इस तरह से, अभी थोड़ा और। तो जब ये बबल्स अच्छे से इस तरह से झाग झाग निकलने लग पड़े ना, तब तक हमने इसे पकाते जाना है। गैस कम रखनी है और इसे छोड़ना नहीं कढ़ाई को। ये देख लीजिए, अब इसे चेक करना हमने कि गुड़ हुआ कि नहीं। तो मैंने ना एक कप में पानी डाल दिया, तो थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। तो बहुत वाला जो कड़क सा गुड़ है ना वो हमने तैयार नहीं करना, तो खींचे भी ना और झट से टूट जाए वो वाला चाहिए हमें। तो अभी हल्का सा खींच रहा है जी, तो थोड़ा सा ही और पकाना है। तो अभी बस थोड़ा सा और पकाते हैं। तो ये अभी हो चुका है, फिर ये देख लीजिए। बस अभी हमने ज़्यादा नहीं पकाना। अभी हमने ना थोड़े से मूँगफली के दाने ले लिए, वो डाल दिए, भुनी मूँगफली है जी। तो ये आपकी मर्जी है, अगर ना भी डालो तो भी अच्छे लगते हैं ये तिल गुड़ के लड्डू। तो इसे मिक्स कर लिया। अभी हम एक चीज़ और इसमें मिला रहे हैं, तो जिससे ना लड्डू बड़े ही हल्के से बनेंगे। और ये ना 2 पिंच के करीब हमने सोडा डाल दिया, खाने वाला जो सोडा होता है ना वो डाल दिया। इस तरह मिक्स कर लिया, और गैस अभी हमने ना बंद कर दी है। तो बंद करने के बाद अभी हम इसमें मिला देते हैं जो हमने तिल रखे हैं ना भुन के, वो अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तिल और गुड़ को इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए और झटपट से करिए। गैस अभी बंद है, तो इन सबको अच्छे से हमने मिला लिया ये देखिए। और अभी हमने झटपट से लड्डू बनाने हैं, वरना ये ठंडा होने के बाद ना कड़क सा हो जाता, फिर लड्डू बनेंगे नहीं। तो गर्म गर्म ही लड्डू बनाने पड़ेंगे। हाथों को पानी लगा लीजिए, तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके ना तो लड्डू बना लीजिए आप, छोटे बड़े जैसे आपको अच्छे लगते। ये देखिए इस तरह से हमने लड्डू एक बना लिया, तो बाकी भी इसी तरह से बना लेते। तो पानी ज़रूर पास रख लीजिए, चाहे तो घी भी रख सकते हो। तो पानी से क्या होता है ना, गर्म नहीं लगेंगे हाथों को। लो जी, तो इस तरह से हमने लड्डू सारे बना लिए ये देखिए। और अभी ना हम आपको ना इन्हें तोड़ के भी दिखाते हैं। तो बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, और सर्दियों में खाने भी चाहिए। तो ये अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट से लड्डू तैयार हुए हैं, और आप ना इस मकर संक्रांति ज़रूर बनाइए, आप भी खाइए और परिवार को भी खिलाइए।